नमस्कार, किचन्स क्रिएटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए एक सिंपल पिज्ज़ा की रेसिपी है, जिसमें आप जानोगे कि आप घर पे भी पिज़्ज़ा बिल्कुल डोमिनोज पिज़्ज़ा जैसा, वो भी कढ़ाई में कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना कोई तामझाम के। बिल्कुल आसान तरीका है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सूजी लेना है। यहाँ पे लगभग मैंने यहाँ 2 कप सूजी ली है, और इसका आप देख सकते हैं कितनी बारीक सूजी होना चाहिए। आप इस प्रकार की सूजी ले सकते हैं। आमतौर पे पिज़्ज़ा आपको मैदे का बनता है, वो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, नुकसानदायक होता है। तो आप सिंपल ऐसा भी बना सकते हो, जब भी आपको कुछ झटपट पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो। और इसमें लेंगे हम छाछ। वैसे आपने अधिकतर सुना होगा कि दही से घोलते हैं, दही से बनाते हैं, पर दही में बहुत ज़्यादा तामझाम रहता है, क्योंकि दही लेना पड़ता है, फिर पानी मिलाना पड़ता है, फिर दोनों की मात्रा को बराबर करना पड़ता है। पर अगर आप छाछ की मदद से सूजी घोलते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको छाछ से घोलना है। इसमें लिया है 1 कप छाछ लिया, यानी कि 2 कप सूजी में आपको लेना है 1 कप छाछ, और इसे ज़रूरत के अनुसार आपको मिलाना है सूजी में। कभी ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सूजी की क्वालिटी पर। तो इसमें मैंने 1 कप छाछ मिला दिया है। आप इसमें कुछ फ्लेवर मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हैं, जो भी पिज़्ज़ा फ्लेवर में मिलाते हैं, इटालियन सीजनिंग कुछ भी मिला सकते हैं। बेस है वैसे फ़िलहाल तो वैसे, अगर आप बेस को भी कुछ स्पाइसी देना चाहते हैं। इसमें आपको तेल लेना है 1 चम्मच में, इसमें हींग मिला देंगे। और इस तेल को आप इसमें करी लीव्स मिला सकते हैं, पर फिलहाल मैं इसे सिंपली बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ ज़ीरा लिया है। और अब हम इसे गरम कर लेंगे, और ये चटक गए हैं सारे ज़ीरा, और इसको हम मिला देंगे इस बैटर में सूजी के और छाछ के, और इसे मिक्स कर देंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आपको लेना है इसमें पानी, क्योंकि पानी कम लग रहा है, तो इसमें हम पानी मिला लेंगे आधा कप, बस आधा कप लेना है। आप चाहे तो छाछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पानी मिलाना है। ये देखिए छाछ की मदद, पानी की मदद से हम इसे इसका लिक्विड बैटर बना लेंगे, यानी कि थोड़ा सा पतला सा घोल बना लेंगे। और इसे आपको रख देना है लगभग आधे घंटे के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इसमें जो बचा हुआ पानी था और उसको मिला दिया है, ताकि बाद में पानी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। इसमें आप कुछ और फ्लेवर मिलाना चाह रहे हो तो मिला सकते हो, जैसे आप कुछ इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट मिलाना चाहते हैं तो वो भी मिला सकते हैं, इसे और ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस विधि को फॉलो कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर आधा घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, अब फाइनली मैंने इसमें मिला दिया है काली मिर्ची, क्योंकि मैं इसे सिंपली बनाना चाह रही हूँ। और इसको फुलाने के लिए हमें लेना है यहाँ पे बेकिंग पाउडर। ये 1 चुटकी बेकिंग पाउडर है, और आपको 2 से 3 चुटकी लेना है इसमें बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, खाने का सोडा, सोडा बाइकॉप, जो भी आप कहते हो इसे, वो मिला देना है इसमें। और इसे मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए दोनों। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। और इसे हम, और इसके लिए हमने सब्जी ली है, टमाटर और ये शिमला मिर्ची, जिसे हमने चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है। हरी मिर्ची है फीकी वाली, जिसे डायमंड शेप में कट किया है, और ये रिंग में टमाटर को काट लिया है। दोनों सभी को अच्छे से चॉप कर लेना है। इसके अलावा आप जो भी अपनी पसंद की सब्जी मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। यह हमने नॉर्मल सी कढ़ाई ली है जो सबके घर में होती है, वो भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, नॉन स्टिक का यूज़ नहीं किया है, खास बात ये है इसकी। इसमें हल्का सा तेल लगा देंगे कढ़ाई में, और 2 बड़े चम्मच इसमें घोल आपको डालना है धीरे धीरे से। एक और डाल देंगे 1 चम्मच, क्योंकि बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। जो नॉर्मली जो पिज़्ज़ा का जो साइज आता है, उस हिसाब से आपको इसे शेप में बना लेना है, उसके हिसाब से, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ना ज़्यादा छोटा भी नहीं। अब हमें इसमें सारी जो सब्जियाँ चॉप करके रखी थी, वो सारी इसमें लगा देंगे। सारी सब्जियाँ इसमें रख दिए, जो भी सब्जियाँ आपने चॉप करके रखी हो। ये देखिए सभी सब्जियाँ मैंने मिला दी लगभग,
और इसमें हम फाइनली जो चीज़ सबको पसंद आता है चीज़ ले लेंगे। इसमें आप कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं, मोजरेला, शेडार चीज़ या प्रोसेस चीज़, और इसे कवर कर देंगे, ढक देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद आपको देखना है, ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। और आप इसके ऊपर कुछ भी मसाला मिला सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ चिली फ्लेक्स मिलाया है मैंने, क्योंकि मैं इसका बिल्कुल साधारण सा स्वाद इसमें देना चाह रही हूँ। बहुत कम स्पाइसी वाला बनाया है ये पिज़्ज़ा और बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। अगर ये नहीं निकलता है तो आप गैस बंद करके इसे 5-6 सेकंड के लिए कवर करके रख दें, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये पिज़्ज़ा कढ़ाई से अलग हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि नीचे से भी कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है पिज़्ज़ा में। और आप इसे पीसेस में कट कीजिए और सर्व कीजिए गर्मा गर्म, और सभी को खिलाइए, आप भी खाइए, और अपने अनुभव इस चैनल के कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कुछ इस प्रकार की रेसिपी देखने के लिए। और इस रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।